किताबों का सिलसिला लगातार जारी है। राजेश शुक्ला की 3 उपलब्धि जो कि किच्छा क्षेत्र के लिए, यहाँ पर कोई मरीज ले जाइए तुरंत रेफर हो जाता है। ये झूठे वादे करके जनता को झूठी घोषणा। रात में सवारी उतरेगी वहाँ पे उतरेगी क्या खुरपिया में? अगर बात सुरक्षा की है, जब रोडवेज बनेगा किच्छा का विकास होगा, सुरक्षा भी दी जाएगी। सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस में बाहरी प्रत्याशी आ रहा है कोई विधायक, हमारे सबका है चाहे वो कांग्रेस विधायक नहीं गया। और बेरोजगारी तो इतनी ज्यादा बढ़ा दी, कोई नौकरी के नाम पे मतलब बिल्कुल ऐसे ऐसे लगते हैं मैं जानते ही नहीं हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात होगी किस्सा कुर्सी में एक दिलचस्प सीट की। यह सीट अपने आप में एक ऐतिहासिक सीट है, यह सीट हॉट सीट है, यह सीट उत्तराखंड की हॉट सीट क्यों, पहले यह जान लीजिए। यह सीट किच्छा की सीट है क्योंकि यहां से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पिछली बार चुनाव लड़े और चुनाव हार भी गए, लेकिन इस बार इस सीट पर किसका होगा दबदबा, पूछेंगे किच्छा सीट के अहम सवाल और किच्छा में क्या हुआ विकास। राजेश शुक्ला यहां से विधायक हैं, 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन क्या जीत की हैट्रिक लगाएंगे, और वो भी तब जब खटीमा नजदीक है यानी कि पुष्कर सिंह धामी, क्या दोस्ती आएगी काम, और क्या जीत की हैट्रिक लगा पाने में राजेश शुक्ला कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं, और कौन से है किच्छा सीट के अहम मुद्दे, आज इसी पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है, किच्छा की जनता का, आप इस कार्यक्रम में आए, आपका स्वागत होने के साथ साथ स्वागत उनका भी जो आज किच्छा की जनता के सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान जो कि जनप्रतिनिधि हैं। सबसे पहले आपको रूबरू करवा दूं जीवन सिंह नेगी जी से, उत्तराखंड क्रांति दल के चेहरे हैं, उत्तराखंड क्रांति दल जिन्होंने सबसे पहले इनका चुनाव चिन्ह कुर्सी पर सबसे पहले विराजमान हुए जीवन जी। फिर इसके बाद नंबर आया संदीप सिंह, संदीप कुमार हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त विवेक सिंह जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, और आम आदमी पार्टी से दिनेश यादव हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। सवाल और जवाब होंगे, आप लोगों के हर सवाल को मैं इस मंच के जरिए उठाऊंगा, हाथ उठाइएगा, आप लोगों के पास आऊंगा। लेकिन राजेश शुक्ला यहां से विधायक हैं, जीत की हैट्रिक लगाना चाह रहे हैं, सबसे पहले सवाल सत्ता से पूछे जाते हैं तो सत्ता से ही सवाल पूछेंगे। तो बताइए विवेक जी, आपके विधायक जी ने इस विधानसभा सीट के लिए किया क्या, 3 उपलब्धियां बताइए विधायक जी की। आप विधायक जी की उपलब्धियों को छोड़िए, प्रधानमंत्री मोदी जी की नजर किच्छा में है। उन्होंने देश में जो मल्टी क्या कहते हैं यूनिवर्सिटियां डिग्री कॉलेज दिए थे, उसमें से 1 डिग्री कॉलेज उत्तराखंड में किच्छा को दिया, सैटेलाइट एम्स किच्छा को दिया, और शीघ्र क्या कहते हैं सिडकुल भी किच्छा में लगने जा रहा है। ये तो प्रधानमंत्री जी की उपलब्धियां, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके विधायक जी की, माननीय विधायक जी की, राजेश शुक्ला जी की 3 उपलब्धि गिनवा दीजिए बस। मोदी जी की उपलब्धि भी शुक्ला जी की उपलब्धि है। और अच्छा, तो मोदी जी यहाँ से विधायक हैं, मोदी जी की नजर किच्छा में है, आज तक किच्छा पे किच्छा की 3 उपलब्धि बता दीजिए ना। मैं कह रहा हूँ आपसे, क्या कहते हैं डिग्री कॉलेज किच्छा में आया, एसडीएम किच्छा में बैठे, एम्स किच्छा में आ रहा है, और बहुत सारी चीजें जो किच्छा में आ रही है, यानी कि मैं तो राष्ट्रीय स्तर की बातें, यानी चुनाव जो है वो मोदी जी के नाम पर ही लड़ेंगे, शुक्ला जी भी मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। 3 उपलब्धि आपने नहीं गिनवाई, मैंने पूछा किच्छा की उपलब्धि, आपके पास कुछ उपलब्धि है, वो तो कह रहे हैं कि उपलब्धि है, मोदी जी की नजर किच्छा पर है और आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए साहब, ये जुमलेबाजी है, ये हवा हवाई है सारी बातें। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिछले 5 सालों में कहीं कुछ नहीं है, रोडों का हाल देख लीजिए, गड्ढा युक्त रोडे हैं, जीजीआईसी में एक एक क्लास में 300-300 बच्चियां पढ़ती हैं, नया कमरे का वो नहीं हुआ, नया जीजीआईसी नहीं बन पाया, तमाम जो घोषणाएं इनकी हैं, ये कहते हैं हमने हवाई अड्डा बनाने की बात की, लेकिन वो सब हवा हवाई, हमें तो कहीं दिखता नहीं विकास। विकास की बात करके झूठे वादे करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, कहीं इनके पास कोई केवल जुमलेबाजी के अलावा कोई मुद्दा नहीं। चाहे जुमलेबाज हैं, प्रधानमंत्री की नजर, आप कह रहे जुमलेबाज, तो रहा हूँ नजर ही है ना, वो नजर है, बस नजर से देखते जाओ, कहीं दिखता है किसी को तो कांग्रेस की सरकार थी। मैं पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार में यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक जो थे, मंत्री थे कांग्रेस की सरकार में,
ने किच्छा पे नजर नहीं रखी तब उन्होंने किच्छा पे ध्यान नहीं दिया। मैं 2012 से पहले का हिसाब मांग रहे हैं, वो कह रहे 2012 से पहले का हिसाब। ये तो बहुत पिछले 70 सालों का हिसाब मांगते हैं। कांग्रेस ने 70 सालों में बनाया, इन्होंने बिगाड़ने का काम किया, सब बेचने का काम कर रहे हैं, आप देख लीजिए। ये इस रावत जी किच्छा में तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए आए और जनता ने, किच्छा की जनता ने उन्हें नकार के वापस भेजा। इससे बड़ा कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता है। अच्छा तो आप मुझे जीवन जी बताइए, जीवन जी बताएंगे नारेबाजी नहीं, प्लीज एक सेकंड, नारेबाजी नहीं। आप जीवन जी आप बताइए, आपका तो चुनाव चिन्ह भी कुर्सी है, उत्तराखंड क्रांति दल चुनाव लड़ रही है इस बार की नहीं? बिल्कुल, इस बार उत्तराखंड क्रांति दल बड़े जोर शोर से चुनाव लड़ रही है और तो हर बार नहीं, इस बार बड़ी जोर शोर से लड़ेगी, इस बार राजनीतिक तौर से। पहले जो चुनाव लड़ते थे वो राजनीतिक तौर से मैदान में नहीं आए, इस बार हमारी युवा पीढ़ी मैदान में है और निश्चित रूप से हम अपनी सत्ता में आएंगे और सरकार बनाएंगे, ये हमारा वादा है। चलिए, सरकार की तो गोद में भी आप लोग बैठे कई बार, मैं तो इतना जानना चाह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि हमने विकास की गंगा बहा दी किच्छा में, किच्छा का क्या मुद्दा है ये बताइए? कोई खास विशेष नहीं है, जनता परेशान है और कभी भी ये चुनाव जब भी लड़े मोदी जी के नाम पर, चाहे एक ग्राम प्रधान का, आज भी वो मोदी जी के नाम पर लड़ रहे हैं, के नाम पर लड़ रहे हैं। और ये शर्म की बात है कि एक हमारे एक बड़े मोदी जी जो देश के ही नहीं वर्ल्ड के नेता हैं, इच्छा का मुद्दा क्या कहते हैं, चुनाव लड़ना उचित नहीं मानते। अपने दम पर आप चुनाव लड़िए तो तब हम बताएंगे कि मैदान में क्या। आप भी लड़िए ना, काशी सिंह के नाम पर लड़ लीजिए, दिवाकर भट्ट के नाम पर लड़ लीजिए। ओके ओके, किच्छा का मुद्दा क्या है आपकी नजर में? सर हमारा तो मेन मुद्दा विकास का है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, और हमने रोजगार गारंटी के द्वारा रोजगार की बात की है। और रोजगार चाहे वो किच्छा का हो या पूरा उत्तराखंड का हो, ये लोग रोजगार दे नहीं पाए। युवा प्रदेश है लेकिन युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार है। 21 सालों का जो उत्तराखंड को बने हुए हो गए, जो उत्तराखंड मॉडल बनना चाहिए था, दोनों सरकारें बना नहीं पाई हैं। और ये जनता विकल्प चाहती है, इस बार इनको जनता, ये तो हम आम आदमी पार्टी की जुबान पर पिछले 6 महीने से सुन रहे हैं, विकल्प विकल्प विकल्प। मैंने पूछा कि किच्छा की समस्याएं क्या है, मुद्दा क्या है किच्छा का, किच्छा की जनता आम आदमी पार्टी को क्यों चुने? आम आदमी पार्टी को मैंने बताया ना, पहला मुद्दा किच्छा, रोजगार जो है किच्छा के लिए भी है रोजगार। यहाँ के जो विधायक जी उतना दे नहीं पाए जितना रोजगार दिया जाना चाहिए था। सड़कें जितने बनानी चाहिए थी उतनी नहीं बना पाए। और ये स्कूल की समस्या थी ना, वो स्कूलों की समस्या क्या है, GSGIC में भी बहुत बड़ी संख्या है, वो उसको हल नहीं कर पाए। और रोडवेज की जो समस्या थी, जनता ने कोई मांग नहीं की थी, जबरदस्ती वहां भेज दिया गया और बाकी जनता जो परेशान है कि अभी कोई जरूरत नहीं थी उसकी। अच्छा, रोडवेज और स्कूल, शिक्षा स्वास्थ्य के विषय पर मैं आऊंगा और उसी विषय को लेकर सवाल उठाऊंगा। अगर जनता पूछना चाहती है अपना सवाल तो जनता पूछ सकती है और हम पूछेंगे आखिरकार वो समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और प्लीज खड़े हुई। मैं राजकुमार बजाज व्यापार मंडल से भी हूँ और यहाँ की जनता तो एक तो बहुत त्रस्त है, क्योंकि जैसे कहते ना बस अड्डा शहर के अंदर था, जो सदियों से शहर के अंदर बस अड्डा था, उसको बस अड्डे को यहाँ से उठा के ले जाने का काम बाईपास किया गया, जबकि शहर का बाजार का इंसान होता है, जबकि दुकानदार हुआ कोई भी, जहाँ जाना होता है शहर के अंदर बस अड्डा होता है, कहीं भी जाना तो 2 कदम पे बैग उठाया और बस पे। ये बस अड्डा समस्या है क्या? बस अड्डा भी समस्या है और यहाँ की जनता की जो कहते हैं ना, कोई वर्कर किया जैसे कि जनता के लिए काम किया, व्यापारियों के लिए कोई काम किया है, कोई काम नहीं किया इन्होंने, और ना व्यापारियों के हितों की बात कोई की। अच्छा, व्यापारियों के हितों की बात नहीं की, लेकिन बस अड्डा समस्या है यहाँ की, बस अड्डा समस्या है क्या? मैं शिक्षा पे बात कहना चाहूंगा। मैं शिक्षा पे भी आऊंगा। नहीं, मैं फिलहाल सबसे पहले शिक्षा। बहुत बढ़िया। अभी इसी विधानसभा में भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय पन्नगर विश्वविद्यालय है, लेकिन अभी कुछ समय पहले उसको केंद्र में ले जाने का काम किया जा रहा था। मेरा ये पूछना है स्थानीय विधायक जी से कि यदि राज्य के संस्थान केंद्र में जाएंगे तो इस प्रदेश के बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे? किच्छा विधानसभा की हम स्थिति देखते हैं तो पिछले 10 सालों में किच्छा में आज भी जाम की समस्या है। यहाँ पर साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि आप देखेंगे तो किच्छा मतलब बहुत ही अव्यवस्थित है, तो इसको लेके विधायक जी ने क्या किया है पिछले 10 सालों में? पूछ लेता हूँ, वो कह रहे हैं मोदी जी के नाम पर जिंदाबाद। वो कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बता दीजिए और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बता दीजिए, सफाई के क्षेत्र में आपने क्या किया वो बता दीजिए। मॉडल डिग्री कॉलेज आया क्या? पूछिए। मैं मॉडल डिग्री कॉलेज कम करने का काम किया है, रोजगार खत्म करने का काम किया, 3500 स्कूल उन्होंने बंद किए हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मॉडल डिग्री कॉलेज आया, आज से पहले सरकारी संस्थान अल्मोड़ा में था, जहाँ पे आपको ये कह रहे डिग्री कॉलेज आया। एक सवाल मेरा, आप ये कह रहे डिग्री कॉलेज आया। नारेबाजी नहीं प्लीज। आप ये कह रहे डिग्री कॉलेज आया। एक सवाल मेरा अगर ये डिग्री कॉलेज आया,
लड़कियों के लिए कितने डिग्री कॉलेज आपने खोले? कॉलेज तो ये बना नहीं पाए लड़कियों के लिए। मैं कह रहा हूँ कि इससे पहले की सरकार क्यों नहीं बना पाई? लड़कियों के लिए इंटर कॉलेज है क्या? जिस मॉडर्न डिग्री कॉलेज की ये बात कर रहे हैं, कांग्रेस के समय में स्वीकृत, हरीश रावत जी ने स्वीकृत किया मॉडर्न डिग्री कॉलेज की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता बैठे हैं, कई 100 मीटर सड़क इस नगर क्षेत्र में कहीं पड़ी है तो उसका प्रूफ दें। और दूसरी चीज एक और आपके सामने कहना चाहता हूँ, इस कोरोना काल में इस मंडी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, कितनी बुरी तरीके से त्रस्त रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक का कहीं यहाँ देख रेख का कोई काम नहीं किया। अच्छा, विधायक गुमशुदा थे क्या कोरोना काल में? ये कह रहे विधायक गुमशुदा थे? बिल्कुल, विधायकों का तो कहीं नाम ही नहीं था जो काम कर रहे थे। हमारे गाँव के ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर और जनता कर रही थी। अच्छा, विधायक जी गुमशुदा थे? बिल्कुल, विधायक गुमशुदा थे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस विधानसभा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, जिले में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जितना कोरोना काल में काम किया, लोगों की सेवा करने का काम किया, ये सत्ताधारी लोग सब घर में दुबके हुए थे। गुमशुदा थे क्या विधायक जी? बिल्कुल, ये तो कोरोना काल में तो थे ही थे, वैसे भी रहते हैं। या किच्छा के लिए बता दूं, जिसकी वो लड़ने की इच्छा वो आ जाए किच्छा, और ये गायब रहते ही नहीं है। और पब्लिक इतनी परेशान है कि जब घूमे भी नहीं है पूरे क्षेत्र में, कोरोना काल तो छोड़। जिसकी लड़ने की हो इच्छा वो आ जाए किच्छा, वो ये कह रहे हैं, जिसकी लड़ने की हो इच्छा वो आ जाए किच्छा। पिछली बार लड़े थे हरीश रावत, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमें ये बता दीजिए कि 100 मीटर सड़क कहाँ बनी, सिर्फ इतना बता दीजिए 100 मीटर। आप 100 मीटर की बात छोड़िए, कौन सा ऐसा क्षेत्र जहाँ पे सड़क नहीं बनी? आप ये आपका उत्तरांचल कॉलोनी वाली रोड खराब थी, वहां पे सड़क बनी, आपकी आनंदपुर वाली सड़क बनी, आपकी लालपुर वाली सड़क बनी, बहुत सारी सड़कें बनी है। कौन कह रहे हैं सड़कें नहीं बनी? वही तो कह रहे हैं कि सड़क नहीं बनी। आप ये कह रहे हैं कि सड़क नहीं बनी, वो कह रहे हैं कि सड़कों का जाल बिछा दिया। उसका बताया ना, कहीं प्रूफ इस क्षेत्र में ही दिखा दे। चलिए, जिस क्षेत्र में आप बैठे हैं, इस क्षेत्र में कहीं बता दे, यहाँ की जनता बताएगी आपको कि कितनी सड़क पड़ी, कितना विकास हुआ, और कितने यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर मिले, किन लोगों को दवाएं मिली इस कोरोना काल में, और किसने सहायता करी, ये सबके सामने है। आप जनता के बीच में है, जनता से आवाज इनकी पूछिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं। डिग्री कॉलेज बनाया हमने, कॉलेज को लेकर जनता का पेट नहीं भरता मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ। और आज की डेट में राशन कार्ड की समस्या ले लीजिए, विधायक जी माफिया राज के रूप में इन्होंने 10 साल का काम किया यहाँ पे, और लूटने का काम किया इस किच्छा को, और पूरे किच्छा को जमकर लूटा विधायक जी ने। ये कह रहे जमकर लूटा विधायक जी ने, बोलिए क्या कहना चाह रहे? ये हमारे क्षेत्रीय विधायक 10 साल हो गए यहाँ से बने हुए, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे हैं कि 10 साल बेमिसाल, आखिर ये बेमिसाल है किस बात पे? किच्छा में तो कोई भी पूछवा दूं, किच्छा में तो कोई भी विकास हुआ नहीं, किच्छा में विकास नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। आपके सामने पूछवा देता हूँ, आइए, आप ही का मुद्दा है, आप ही का अब मैं पूछवा देता हूँ। ये 10 साल कह रहे, 10 साल बेमिसाल, 10 साल में आपने किया क्या इनको बता दीजिए। पूछ रहा हूँ, नहर वाला रोड पास हो हुए, उसके बावजूद भी पड़ा नहीं है, आज उसमें गंदगी आप देखें, इंसानों रहने लायक जगह नहीं है, वो यहाँ से बदबू आती है। यहाँ पर ये पास में ही नहर है आपके, यही थोड़े लेफ्ट पहा नहर है, 10 साल से नहीं, 10 साल से वो ऐसी 10 साल से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी 5 साल में है, इससे पूर्व कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार में हरीश रावत जी ने चाहा ही नहीं कि किच्छा का विकास हो। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से निरंतर विकास का कार्य प्रारंभ है, और लेफ्ट पा नहर पे भी बजट पास हो चुका था, लेफ्ट पा नहर पे कार्य अभी प्रगति पर है। अच्छा, ये रोडवेज वाला क्या मसला है? अच्छा मुझे बताइए, रोडवेज वाला कोई मसला है क्या यहाँ? मुझे किसी ने बताया रोडवेज वाला कोई मसला नहीं है? रोडवेज वाला कोई मसला है क्या यहाँ? रोडवेज वाला मसला मतलब रोडवेज बस अड्डा तो यहाँ ही बना हुआ है। हाँ, वो कह रहे बहुत दूर बना हुआ है, किच्छा शहर में है, किच्छा शहर में। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस सरकार से हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता श्रीकांत भाई साहब ने जगह जगह कैंप लगाया, कभी कांग्रेस सरकार ने किसी गरीब घर के जाके देखा कि किसी गरीब की आंखें उन्होंने बनवाई, कांग्रेस सरकार ने बनवाई? ओके भाई साहब, आप ही के लिए आया हूँ, लड़ने नहीं आया मैं, आपके मुद्दे उठाने आया हूँ, जंग उनके बीच में होने दी, आप क्यों लड़ रहे हैं? आप आइए ना, सबकी सुनेंगे, आइए। ऐसा सर, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मीडिया में कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं ने करा, आज भी बता दे बाट में कौन सा इनका कार्यकर्ता मेंबर कोई आया इसमें बाट में अंदर कोरोना काल में? कोई नहीं है पूछने के लिए, क्या है क्या नहीं, बंदा नहीं आया आज तक पूछने के लिए यहाँ पे बाड़ों में। कांग्रेस में कोई नहीं आया, कांग्रेस में पूछने कोई नहीं आया, वो ये कह रहे यहाँ विधायक जी ने बहुत अच्छा काम करा, विधायक जी ने, राज शुक्ला जी ने बहुत बढ़िया काम करा है, बहुत बेकार है यहाँ पर, बहुत बढ़िया काम किया। एक सेकंड, एक एक करके वो कह रहे हैं विधायक जी ने बहुत बढ़िया काम किया। मैं कह रहा हूँ
मैं ये कह रहा हूँ जब माननीय विधायक जी ने बहुत अच्छा काम किया है और आपने खुद यहाँ पर तीन उपलब्धियां पूछी थी जो उनके स्पोक पर्सन यहाँ बैठे हैं, वो तीन उपलब्धियां माननीय विधायक जी की नहीं गिना पाए। उन्होंने दोबारा पूछ लो, उन्होंने उपलब्धियां गिनाई सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी की। मैं पूछना चाहता हूँ, जब कोरोना काल था, कोरोना काल में गरीब आदमी का जो राशन से लालन पोषण होता है उसकी एक आस थी राशन कार्ड, लेकिन ऐसे कोरोना काल में जब पूरा शहर एक दूसरे की मदद कर रहा था लेकिन सरकार आंखें बंद करके सोई हुई थी, उन्होंने राशन कार्डो को ऑनलाइन के फंदे में फंसाकर गरीबों को राशन से दूर रखा। ऐसी सरकार को आने वाले 2022 के चुनाव में आम जनता, आप ये कह रहे स्वास्थ्य के क्षेत्र, स्वास्थ्य आ रहा हूं सर, आ रहा हूं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अब मुझे ये बता दीजिए भाई साहब, चिल्लाने से नहीं होगा, प्लीज चिल्लाने से नहीं, नारेबाजी से नहीं, आप लोगों के सवाल पूछ रहा हूं। अगर आप लोग चाहते हैं मैं सवाल पूछूं तो पूछ ले दीजिए, प्लीज मैं आप लोगों के लिए आया हूं, प्लीज एक सेकंड। ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने क्या किया, विधायक जी ने कितने अस्पताल बनवाए यहां पर, एम्स बनवा दिया। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ बनवा दिया ना, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ जो अस्पताल किच्छा में था वहां सर्जन नहीं थे, सर्जन आए, आ गए सर्जन आए, पूछिए आप, किच्छा में सर्जन आ, बिल्कुल किच्छा में सर्जन आए, कभी सर्जन नहीं रहे किच्छा में, किच्छा में सर्जन तब आए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। फिर मैं कह रहा हूँ कि रेफर से किच्छा रेफर सेंटर बना दिया है भाजपा ने स्वास्थ्य केंद्र को, यहाँ पर कोई मरीज ले जाइए तुरंत रेफर हो जाता है। ये लोग भाजपा सरकार, केवल मैं आपसे बता दूं, ये झूठे वादे करके जनता को झूठी घोषणा, क्या रेफर सेंटर है यहाँ का अस्पताल, रेफर सेंटर है, ये कह रहे रेफर सेंटर है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर कांग्रेस सरकार रही जब हुआ थोड़ा बहुत काम, बीजेपी सरकार रही और माननीय यहाँ के जो विधायक जी हैं राजेश शुक्ला, उन्होंने क्या विकास करा, यहाँ से रोडवेज ले जाकर खुरपिया क्यों डालने, रात में सवारी उतरेगी वहाँ पे उतरेगी क्या, खुरपिया में 5 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर नहीं 2 किलोमीटर दूर है, रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा उसका, राजेश शुक्ला जिम्मेदार होंगे क्या, स्थानीय बता दीजिए। ये बड़ा मसला हो गया, मेरे को लगता है कि यहाँ ये बड़ा मसला है, सब लोग इस बात को लेकर नाराज है कि विधायक जी ने वहाँ पर जो है 3 किलोमीटर दूर बना दिया। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ बात विधायक जी की नहीं है, सरकार का निर्णय है, सरकार का कार्य है, और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ अगर बात सुरक्षा की है, जब रोडवेज बनेगा किच्छा का विकास होगा, सुरक्षा भी दी जाएगी और हर व्यक्ति सुरक्षित है, भाजपा की सरकार आने के बाद व्यक्ति के अंदर विश्वास बढ़ा है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी और हर प्रकार से विश्वास बढ़ा है। आज भी आप देख लीजिए, हो सकता है किसी के व्यक्तिगत तौर पर किसी की नाराजगी हो, पर नरेंद्र मोदी जी के नाम पे, पुष्कर सिंह धामी जी के नाम, अस्पताल के नाम पर ये कह रहे हैं कि हमने अस्पताल खोले, अस्पताल खोले यहाँ, कोई अस्पताल नहीं खोला है, सर्जन अस्पताल है, सर्जन आए हैं मैं मानता हूँ, लेकिन वो प्रॉपर एक डॉक्टर से क्या होगा, डॉक्टर के बहुत सारे बच्चों का डॉक्टर नहीं है यहाँ पर, हार्ट के डॉक्टर नहीं है, सिर्फ एक डॉक्टर से पूरा अस्पताल चल जाएगा, और ना उन्होंने कोई व्यवस्था की है, और ये विकास की आगे बात है, कोई इंडस्ट्री नहीं लगी है यहाँ पर, कृपया ऐसी वीरान पड़ी हुई है पिछले 12 साल से। मेरा सवाल आपसे ये है, उसको अगर मैं गलत दूंगा करेक्ट कर दीजिएगा, सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस में बाहरी प्रत्याशी आ रहा है, कोई रुद्रपुर से आ रहा है, कोई सच है? नहीं देखिए, कांग्रेस में हम 7 लोग हैं यहाँ पर किच्छा के स्थानीय, और यहाँ की जनता की भी मांग है किच्छा का स्थानीय विधायक होना चाहिए, और इसको लेकर के हम लोग ने स्थानीय की बात कही है, अपने प्रदेश नेतृत्व को भी अवगत कराया है, केंद्रीय नेतृत्व को। बाहर से कौन आ रहा है? नहीं, बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनका यहाँ की जनता भी विरोध कर रही है। और कौन आ रहा है? नहीं, बाहर से हमारे कांग्रेस के एक नेता है जो अपने यहाँ आना चाहते हैं, जो यहाँ आना चाहते हैं। कौन आ रहे सर? नाम आपको पता है? तिलकराज बेहड़ जी आ रहे हैं यहाँ पर। बेहड़ जी आ रहे हैं, एक सेकंड बेहड़ जी आ रहे हैं, आप लोग विरोध कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम लोग स्थानीय की मांग कर रहे हैं। स्थानीय नहीं है जो ना, वो रुद्रपुर के, रुद्रपुर से 2-2 बार विधायक रहे हैं, वो रुद्रपुर के हैं और हमारे वरिष्ठ नेता। बता दिया उन्होंने, कहा तिलकराज बेहड़ है, बता तो रहे, सुनना है दोबारा, आपको दोबारा सुनना है भाई, 2-2 बार विधायक रहे रुद्रपुर। नाम पूछ रहे हैं, वो नाम दोबारा बता दी। नहीं, तिलकराज जी भेड़ हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो विरोध कर रहे हैं? नहीं, हम विरोध नहीं कर रहे, हम स्थानीय की मांग कर रहे हैं। स्थानीय की मांग कर रहे हैं, ओके, ये कह रहे स्थानीय की मांग कर रहे हैं हम। तिलक जी, स्थानीय विधायक इतने योग्य और कर्मठ है तो चेहरा बदलने की पार्टी को जरूरत क्यों पड़ रही है? दूसरी पार्टी स्थानीय और बाहरी के मुद्दे में उलझी हुई है। आम आदमी पार्टी अपना प्रत्याशी दे चुकी है, उनके पास अच्छी योजनाएं हैं, पब्लिक मन बना चुकी है, परिवर्तन का मन बना चुकी है। अच्छा, एक सेकंड, आपने कहा विकास किया, बहुत विकास किया, सर आइए ना, आप इधर आइए सर, आइए, मैं आपसे, आइए सर। अब आपके विधायक ने इतना विकास किया, ये कह रहे मेरे विधायक ने बहुत विकास किया, विधायक जी जिंदाबाद। कौन कर रहे हैं? विधायक जी। मैंने विधायक जी का नाम नहीं लिया। आपने नहीं लिया? मैंने नरेंद्र मोदी, अच्छा, पुष्कर धामी,
विधायक हमारे सबका है, चाहे वो कांग्रेस विधायक सबका विधायक है वो। नहीं नहीं विधायक विद्यालय बन रहा है, ठीक है, बस अड्डा बन रहा है। हमारे नरेंद्र मोदी जी बहुत विकास कर रहे हैं। कितने? अच्छा विकास मोदी जी तो शुक्ला जी क्या कर रहे हैं फिर है? शुक्ला जी क्या तो अपना काम कर रहे हैं, उनका काम है तो मतलब विधायक जिंदाबाद कर रहे हैं। विधायक जिंदाबाद काम जो करने का वो करने का है। विधायक जिंदाबाद किसी हम जिंदाबाद करने नहीं आए, हम जिंदाबाद करने नहीं आए, हम बात करने आए यहाँ। ओके 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 भाई, एक एक कर एक 70 साल का हिसाब। हाँ सर ओके, मुझे तो लगा मुझे लगा मुझे दे दे 70 साल बनाम 7 साल। ओके 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 एक सेकंड प्लीज। ओके सर अब पूरे देश में तो सवाल और जवाबों का सिलसिला लगातार जारी है, हर कोई दावे और वादे कर रहा है, लेकिन विधायक जी जिंदाबाद के नारे क्यों नहीं लगा रहे ये लोग? ये विधायक जी जिंदाबाद, मैंने 3 बार पूछा विधायक जी जिंदाबाद, वो कह रहे कि विधायक जी जिंदाबाद क्यों बोलूं मैं? जिसके पास भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद करेगा। जिसके राजेश शुक्ला ने कुछ नहीं किया फिर मैं आपसे कह रहा हूँ भारतीय जनता, फिर आपसे पूछ रहा हूँ मुझे 3 उपलब्धि बताइए, फिर आपसे पूछ रहा हूँ 3 उपलब्धि मैं आपसे कह रहा हूँ। ये परिवारवाद की पार्टी, परिवार आप खड़े हुई है, आप मुझे 3 उपलब्धि के राजेश शुक्ला की 3 उपलब्धि जो की किच्छा क्षेत्र के लिए। आपका प्रश्न ही गलत है, आपका प्रश्न ही गलत है, आप कहिए भारतीय जनता पार्टी की 3 उपलब्धि बताइए। अच्छा यानी आप ये कह रहे हैं प्रश्न गलत है विधायक ने। ओके ओके ओके, क्या विधायक जी ने काम किया आपके क्षेत्र में? कुछ ही नहीं किया, और बेरोजगारी 2-3 ज्यादा बढ़ा दी, और कोई नौकरी के नाम पे मतलब बिल्कुल ऐसे लगते हैं मैं जानते ही नहीं हूँ, वोट मांगने के नाम पे तुरंत आ जाते हैं वो, और 10 साल में अभी तक उन्होंने ऐसा कोई भी विकास का और नौकरी किसी को भी और जो भी उन्होंने बता दिया मुझे इतने सारा विकास किया। कौन सा विकास हुआ हमें दिखाए ना, वो जो कॉलेज भी बनना है वो कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार ने कोई विकास नहीं किया है, केवल और केवल जनता को ठगने का काम किया है, और उसी स्थिति ये कांग्रेस की भी इससे पहले कांग्रेस की रही है। कांग्रेस ने भी इसी तरीके से जनता को ठगा था, और इसी तरीके से आज भाजपा ठग रही है। दोबारा भाजपा तो हम बेरोजगार हो जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे। ओके ओके ओके, बेरोजगारी बेरोजगारी क्या मुद्दा है? यस और नो? कोरोना के बाद उत्तराखंड में बेरोजगारी थोड़ी बढ़ी, थोड़ी बढ़ी है। हाँ थोड़ी सी मुद्दा है? नहीं मुद्दा नहीं, मुद्दा नहीं है, मुद्दा इसलिए नहीं है बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है सर, पलायन नहीं है उत्तराखंड का, पलायन और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, इनकी नीतियों के कारण हमारे युवा बेरोजगार हुए हैं। वो कह रहे मुद्दा ही नहीं है, हुई है इन भाजपा सरकार की नीतियों के कारण, इनकी फेलियर नीतियां हैं, इन्होंने देश को बर्बाद कर, बेरोजगारी मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। वो कह रहे नहीं है, वो बहुत बड़ा बेरोजगारी बड़ी चोट होगी, बेरोजगारी है, अगर बेरोजगारी मुद्दा है बहुत बेरोजगारी मुद्दा है, पेपर लीक हो जा रहे हैं, सबसे बड़ी भीषण समस्या है बेरोजगारी मुद्दा। और जिस जो बात कर रहे हैं ना, मोदी जी हो गए, ये योगी जी हो गए, ये पुष्कर सिंह धामी हो गए, ये तीनों झूठे वादे करने वाले हैं, वहां से केंद्र में वो वादे कर रहे हैं, यहाँ स्टेट में ये कर रहे हैं, बेरोजगारी मुद्दा है, बिल्कुल मुद्दा है, बिल्कुल मुद्दा है बेरोजगारी का, बेरोजगारी मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है सर, बेरोजगारी ही मुद्दा है, हम खुद बेरोजगार खड़े हैं यहाँ पे, जब से बीजेपी की सरकार आई तब से बेरोजगारी है, बेरोजगारी बिल्कुल है साहब, बेरोजगारी मुद्दा, बेरोजगारी मुद्दा है या नहीं ये सवाल खड़ा हो रहा है, बेरोजगारी मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। ये जो किच्छा विधानसभा पूरी तरीके से मैदानी क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में कोई भी नया उद्योग नहीं लग पाया। ओके 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 ओके, एक सेकंड, आप एक सेकंड, ये कह रहे हैं आपने मुझे कहा सर आएंगे प्लीज, सत्ताधारी हैं आप लोग, कुर्सी कभी कभी छोड़ जा करिए, आप ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी मुद्दा रही है, मैंने 50 लोगों से पूछा, उन्होंने कहा बेरोजगारी ही सबसे बड़ा मुद्दा है। अब आप ये बता दीजिए कि विधायक जी ने कौन सा उद्योग स्थापित किया इन 10 सालों में? फिर एक उद्योग, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप फिर गलत प्रश्न कर रहे हैं, विधायक जी के हाथ में यहाँ पे उद्योग स्थापित करना नहीं है, उद्योग स्थापित, विधायक जी उद्योग नहीं बना सकते, विधायक जी उद्योग नहीं बना सकते, उद्योग स्थापित करना राज्य और केंद्र सरकार का काम है, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसके लिए वचनबद्ध है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा आएगी। नया उद्योग खोला कि नहीं? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, नया उद्योग खोलने की बहुत बड़ी तादाद पे क्या कहते कार्रवाई, शुक्ला जी से पूछिए शुक्ला जी से पूछेगा तिलक राज चावला जो सवाल पूछता है वो सत्ता से पूछता है, और आज ही पूछूंगा, फिर पूछ रहा हूँ, फिर आपसे कह रहा हूँ कि किच्छा में उद्योग लगेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगेगा, 10 साल में नहीं लगा, नया उद्योग लगा किच्छा में,
कोई उद्योग नहीं लगा, उद्योग बंद, 40% सिटकुल बंद है इनकी नीतियों के कारण, इनकी फेल्योर नीतियां हैं। और आपको बता देना चाहता हूं कि इनको जनता इनके सब जुमलेबाजों को समझ चुकी है, इनको 2022 में जवाब मिलने जा रहा है, इनको 2022 में जवाब वो दिखाई दे गया था। हरीश रावत जैसे नेता को हम जैसे कार्यकर्ताओं ने हरा के वापस भेजा था, इस बार भी भेजेंगे, और भी भारतीय जनता को भेड़ जी को इस बार नहीं, फिर मुझे नहीं पता कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ इस बार भी आ दो, ये कह रहे भेड़ जी आएंगे कि नहीं, यहाँ का स्थानीय आएगा, किच्छा का स्थानीय आएगा और भेड़ जी का, किच्छा का स्थानीय आएगा और वो जीतेगा यहाँ से। मैं आपको बता दूं कांग्रेस का विधायक इस बार बनेगा और 2022 में सरकार बनेगी कांग्रेस की, भेड़ जी बनेंगे, कांग्रेस का स्थानीय आएगा, स्थानीय आएगा, स्थानीय आएगा, ये कह रहे उद्योग, उद्योग खोला है हमने, खोलेंगे। सर आप ही देख लीजिए, 12 साल से खुरपिया सुनसान पड़ा हुआ है, वीरान पड़ा हुआ है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, ट्रांस के मजदूर बैठे हुए हैं, एसपी के बैठे हुए हैं, सारी इंडस्ट्री आप सिडकुल में जाके देख लीजिए, सुनसान पड़ा हुआ वीरान कर, सिडकुल सुनसान पड़ा है, फाइनल कमेंट, सिडकुल सुनसान पड़ा है, बेरोजगारी मुद्दा है, बिल्कुल सिडकुल सुनसान पड़ा है, सिडकुल खाली नाम का रह गया, स्थानीय को वहाँ रोजगार ही नहीं है, सारे बाहर से आ रहे नौकरी करने के लिए, हमारे किच्छा क्षेत्र के पन्नगर क्षेत्र के शांतिपुरी वाली को किसी को स्थानीय को नौकरी मिली ही नहीं है, स्थानीय को नौकरी नहीं मिली। मैं फाइनल सवाल इधर आइए बोलिए आप। देखिए मेरा सत्ता पक्ष से एक सवाल है कि आप जो विकास की बात कहते हैं, किच्छा की उड़ती हुई सड़कों की धूल आपका विकास बता रही है, आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं तो खेल मैदान में गर्भवती महिला के पेट से जो बच्चा होता है वो आपके अस्पताल की व्यवस्था खोलती है, सड़कों पर होते हुए बच्चे आपकी व्यवस्था बताते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ स्वास्थ्य के बारे में क्या कर रहे हैं, रोजगार के बारे में एक सवाल पूछ लो, 2000 मैं एक सवाल 2000 मैं एक सवाल 2002 में नारद तिवारी जी सिडकुल की स्थापना करी, आपकी सरकार ने यहाँ से अधिकतर कंपनियां भगा दी, आज 500 कर्मचारी एचपी के भूखे पेट सोने को मजबूर है सिर्फ आपकी नाकामियों के कारण। पूछ लेता हूँ सवाल, लेकिन एक सवाल मेरा भी है, इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे 2012 से पहले? देखिए स्वास्थ्य मंत्री कौन थे सर, स्वास्थ्य कौन थे? तिलकराज बेहड़ जी थे, बेहड़ जी थे, हो गया सर, आपने बता दिया बेहड़ जी थे, आपने खुद ही बताया बेहड़ जी थे ना, जी जी कुछ नहीं किया उन्होंने, नहीं सर मैं बता रहा हूँ ना आपको, उन्होंने तो कहा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ, तो स्वास्थ्य सर 2012 से लेकर 2017। ओके फाइनल कमेंट आपका कह रहे हैं कि सिडकुल सुनसान पड़ा है, सही में पड़ा है कि नहीं पड़ा? मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा आपको भी जानकारी है कि सिडकुल सुनसान तो नहीं पड़ा हुआ है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा विधायक जी इतना गुमशुदा क्यों रहते हैं? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता रोडों पर, शुक्ला जी से पूछिए तो सही, वो इतना विधायक गुमशुदा होते हैं कि नहीं? अगर किच्छा से विधायक जी को टिकट मिलेगी राजेश शुक्ला को, तो कांग्रेस 120% के 100% जीतेगी। ये मेरा मन है, मैंने देखिए मंडी से पहली बार, पहले जब ये जीते थे मंडी से जीत के गए थे, बंडिया जीत के गए थे, ठीक है, उसके बाद बता दो भाई, और रोजी भाई इनके रिश्तेदार कोई आया विधायक जी नहीं, कोई सब फेल है, ये गुमशुदा रहते हैं, गुमशुदा। अरे कोई मतलब अब आए इलेक्शन है ऐसे पजामा कुर्ता पहन के आ रहे थे, बड़े तकड़े वो आए दौरा कर रहे हैं, फोटो विधायक जी घूम रहे हैं, मगर कुल मिला के विधायक जी क्यों होते हैं यार, हमारे हम तुम इंसान गुमशुदा, ये कह रहे हैं विधायक जी गुमशुदा रहते हैं, फिर वही बात, विधायक जी गुमशुदा रहते नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, नहीं ऐसा। तो ये किच्छा की जनता के सवाल और जवाब, आप लोगों का प्यार, किच्छा की जनता का प्यार और आप लोगों के सवाल मैंने सत्ता से पूछे आप लोगों के सामने, आप लोगों से अपील है मेरी, क्योंकि हम गढ़वाल में इस तरह के कार्यक्रम करके आ रहे हैं और जनता ने बहुत पसंद किया। ये न्यूज वर्ल्ड इंडिया है, आप इसको सब्सक्राइब करेंगे जिसके 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है, और आप लोगों के मुद्दे इस मंच के जरिए हम लगातार उठाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अगली बार होगी एक नई विधानसभा सीट पर मुलाकात, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।